ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, वंस आपने कुबरनेटीज को इनेबल्ड कर लिया, अब हम चेक करते हैं हमारे पास कितने नोड्स का क्लस्टर बना हुआ है, कौन कौन सी नोड्स चल रही है। क्यूब सीटीएल ये आप कुबरनेटीज के किसी भी कमांड को रन करने के लिए क्यूब सीटीएल से हम स्टार्ट करेंगे। मैं लिखता हूँ गेट नोड्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि एक ही नोड चल रही है जिसका नाम डॉकर डेस्कटॉप है। हमने सिंगल नोड का क्लस्टर बनाया है। अमूमन जो है जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो आपके पास मल्टी नोड क्लस्टर्स होंगे, मल्टीपल मशीन्स होंगी जिसमें से एक मास्टर होगी और बाकी सारी वर्कर नोड्स होंगी। अभी यही नोड जो है मास्टर है और इसी पे जो है वर्कर भी चल रहा है, इटसेल्फ ये वर्कर भी है। तो अगर हम देखना चाहें कि डिस्क्रिप्शन क्या है किसी भी नोड की, तो डिस्क्राइब नोड की कमांड और साथ में हम नोड का नेम देंगे तो उस नोड की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि इस नोड पे सीपीयू कितने परसेंट यूजेज है, मेमोरी कितने परसेंट यूजेज है और बाकी फर्दर डिटेल्स, आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है एंड सो ऑन। क्योंकि मल्टी कोर प्रोसेसर है तो यहाँ पे टू CPU दिखा रहा है, ये टू CPU है, इंटरनल CPU। इसके बाद हम कोई इमेज जो है इस क्लस्टर पर डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी इमेज हम डिप्लॉय करते हैं क्यूब CTL रन के थ्रू। तो मैंने लिखा क्यूब CTL रन, क्यूबिया मेरी इमेज का नाम है, जो इमेज जो मैं रन करने जा रहा हूँ उसका नाम लूक्सा क्यूबिया है। लूक्सा इसका यूजर, ऑथर किसने इमेज बनाई है और क्यूबिया इमेज का नाम है। और मैं इसको रन जो कर रहा हूँ उसके लिए मैं एक पोर्ट बना रहा हूँ जिसका नाम भी क्यूबिया है। ये पोर्ट 8080 के ऊपर चलेगी। तो क्यूब CTL रन, उसके बाद मैं पॉट का नेम दे रहा हूँ। एक नोट के ऊपर आपके पास जो पूरा क्लस्टर है उसमें मल्टीपल नोड्स हैं, उसमें हर नोट पे आप मल्टीपल पॉट्स हो सकते हैं और पॉट्स के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। तो एक नोट के ऊपर मल्टीपल पॉट्स आप रन कर सकते हैं। तो पॉड एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। पॉड जो है Kubernetes में कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं और उन कंटेनर्स के ऊपर जो है मल्टीपल आपके पास पॉड्स हो सकते हैं एक सिस्टम पे और उस पर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई पॉड क्रिएट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एक पॉड क्रिएट हुआ है जो कि अभी कंटेनर को बना रहा है। ये लूक्सा क्यूबिया की इमेज जो है क्योंकि हमारे पास लोकली मौजूद नहीं है, अगर हम चेक करें तो लूक्सा क्यूबिया की इमेज जो है लोकली अवेलेबल नहीं है। अल्पाइन और क्लाउड की इमेज तो हमारे पास थी, अभी हमने कुबरनेटीज को इनेबल किया, कुछ और इमेजेस आ गई हैं, लेकिन लूक्सा क्यूबिया की इमेज अभी नहीं है। तो ये डाउनलोड हो रही है डॉकर हब से और ये डाउनलोड हो जाएगी तो हमारे पास ये पॉड जो है रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। डॉक क्यूब CTL गेट पॉड्स, तो ये हमारे पास ये पॉड अभी क्रिएट हो रहा है, 2 मिनट हो गए इसको क्रिएट होते हुए। तो पॉड क्या होता है? ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइटली रिलेटेड कंटेनर्स। आप समझते हैं कि कुछ कंटेनर्स को एक साथ चलना चाहिए, एक सिस्टम में एक साथ चलना चाहिए, तो आप उसका एक पॉड बना के वो सारे कंटेनर्स एक साथ चला देंगे। मिसाल के तौर पर एक हो सकता है वेब सर्वर हो और डेटाबेस सर्वर आप एक साथ चलाना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी ऐसी है इनको एक जगह पे होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं उनको एक ही पॉट के अंदर पैकेज कर सकते हैं। तो ये एक साथ एक वर्कर नोड पे और सेम नेम स्पेस के अंदर रन हो रहा होगा। तो इट्स लाइक अ लॉजिकल मशीन, यानी दिखने में ऐसा लगेगा कि जो है ये एक ही मशीन पे रन हो रहे हैं। अगर डिफरेंट पॉड्स होंगे तो हो सकता है एक ही मशीन पे चल रहे हों, लेकिन क्योंकि लॉजिकली हमने जो है क्योंकि क्लाउड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो है अलग अलग नेम स्पेसेस होंगे तो लॉजिकली उनको लगेगा कि वो अलग अलग चल रहे हैं। तो हर पॉड की एक अलग आईपी होगी, अलग होस्ट नेम होगा, अलग प्रोसेस होगा। तो
जितने भी कंटेनर्स एक पॉट के अंदर चल रहे हैं वो ऐसा लगेगा कि वो सेम लॉजिकल मशीन पर है, और जो दो डिफरेंट पॉट्स पे चल रहे हैं वो लगेगा कि वो अलग अलग मशीन पे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है, हमारे पास एक मशीन हो सकती है फिजिकल, लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल जो है आप लॉजिकल मशीन्स चला रहे होंगे, यही कॉन्सेप्ट है क्लाउड का। तो ऐसा लगेगा कि जो है ये नोड्स जो है ये सॉफ्टवेयर या ये कंटेनर्स जो है अलग वर्चुअल अलग मशीन्स के ऊपर चल रहे हैं, लॉजिकल मशीन्स के ऊपर। तो क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स के थ्रू हमने डिस्क्रिप्शन देख ली। तो यहाँ पर जो है मजीद शो किया गया है कुबरनिटीज के अंदर जो है पॉड्स का कॉन्सेप्ट है और नोड्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये दो नोड्स मिलके एक क्लस्टर बनाए, इसमें जो है मल्टीपल पॉड्स चल रहे हैं और पॉड्स के अंदर जो है मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं, इनकी आईपी अलग होगी, इनका नेम स्पेस अलग अलग होगा।